तो अगर आप ये उन्हें समझाने में या फिर बताने में कामयाब हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स जो हैं आपके बारे में जरूर सोचेंगे, क्योंकि हर पेरेंट्स के लिए अपनी होती है अपने बच्चों की खुशियां जो होती है वो बहुत मायने रखती है। हे गाइस, मैं हूं स्वप्नेश और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर लव मैरिज, अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें लव मैरिज के लिए। तो उससे पहले एक चीज जानना जरूरी होता है, अपने पेरेंट्स की प्रोस्पेक्टिव क्या रहती है इस चीज के बारे में। तो सबसे पहला जो चीज होती है वो अपने पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी किसी ऐसे इंसान से शादी करें जो इंसान उससे आगे जाके धोखा देगा या फिर आगे जाके नो उसको प्रॉब्लम में डालेगा, उसको तकलीफ देगा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो एक पेरेंट्स कभी नहीं चाहता। अगर आप भी एक पेरेंट्स कभी होंगे तो आपके जो बच्चे हैं कभी ऐसे प्रॉब्लम फेस करें तो आप कभी नहीं चाहोगे, है कि नहीं? तो आपके पेरेंट्स भी सेम चीज़ ही चाहते हैं। और कास्ट कम्युनिटी की जो बात रहती है वो थोड़ी सी ओल्ड पेरेंट्स की रहती है, पर अभी के टाइम पे उन सबको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट नो क्रिएटिंग अ कम्युनिटी, वी आर थिंकिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑलवेज। बस अपने पेरेंट्स को इतनी समझानी है कि जिस इंसान को मैं चुन रहा हूँ वो इंसान मेरे लिए सही है, और दूसरी बात है कि अभी मैं उतना मेच्योर हो चुका हूँ कि मैं खुद के लिए डिसीजन ले सकूँ। बस यही दो चीज़ें जो पेरेंट्स को खटकती है कि मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी जो है कि गलत डिसीजन ना ले ले, एक गलत लाइफ पार्टनर चुन ले जो कि आगे जाकर उसको तकलीफ देने वाली है फिर देने वाला है, राइट? सो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा वर्ल्ड कप के एग्जाम्पल लूँगा। वर्ल्ड कप में क्या हुआ कि इंडिया इतनी अच्छे से खेली पर फाइनली एक अहम सिचुएशन पर आके अटक गई, एक सिचुएशन आके खराब खेली और बाहर निकल गई वर्ल्ड कप से। तो रोहित शर्मा इतनी अच्छा खेला पूरा टूर्नामेंट और एक अहम सिचुएशन पे वो जीरो पे आउट हो गया। तो जब रोहित शर्मा आउट होकर पैवेलियन पे जा रहा होगा तो उसे यही लग रहा होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी से आउट हो गया। वर्ल्ड कप सबकी सपना होती है, वहाँ पे अगर आप जीरो पे आउट हो गए तो बहुत बुरा लगेगा आपको फॉर श्योर। ज़िंदगी भी कुछ ऐसा ही है, अगर ज़िंदगी पे भी अगर आप राउंड ना बना के आउट हो जाते हो ना तो आपको बहुत दुख महसूस होगी। सोचो एक बार, क्रिकेट में तो एटलीस्ट वापस आने की ऑप्शन है पर ज़िंदगी में ऑप्शन ही नहीं है। जब तक आप जिंदगी में हो आपको रन बनाने चाहिए, आपको लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। सो यू शुड बी चूजिंग बेटर डिसीजन फॉर योरसेल्फ, राइट? क्योंकि अगर आप एक गलत डिसीजन ले लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो नॉन एंड वाली पार्टनर हैं, नॉन एंड स्ट्राइकर हैं, वो आपको रन आउट भी करा सकते हैं। सो इट्स नेसेसरी टू चूज अ बेटर बैट्समैन फॉर योरसेल्फ, अ बेटर पर्सन फॉर योरसेल्फ। सो अगर हम अपने पेरेंट्स को ये सौंपेंगे ये जो जिम्मेदारी, देन पेरेंट्स विल बी चूजिंग अ बेटर पर्सन फॉर योरसेल्फ, राइट? देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर वो एक बेस्ट पर्सन नहीं चूज कर पाएंगे, क्योंकि बेस्ट पर्सन वही होता है जो पर्सन आपकी जो खामियों को वर्ता होगा। तो इसको अगर अच्छे से समझें तो क्रिकेट की क्रीज में अगर आप खड़े हो तो कुछ ऐसी बॉल्स होंगी, कुछ ऐसी गेंदें होंगी जिनको आपको खेलना पसंद आ रहा होगा, पर कुछ ऐसी बॉल्स होंगी जो आपको तकलीफ देती होंगी, कुछ ऐसी बॉल्स जो आपको खेलना पसंद नहीं हो रहा होगा या फिर जो आपको प्रॉब्लम से डालती होंगी, राइट? तो आपके नॉन एंड पार्टनर जो हैं उनको अगर वो गेंदें अच्छे से खेलनी आ रही होगी तो आपके लिए वो चीज़ आसान बन जाएगी, कि नहीं? अगर बॉलर वैसे गेंद डाल रहे तो शॉर्ट रन ले लो, उनको दे दो स्ट्राइक, वो अच्छे से खेलेंगे वो बॉल। तो इसमें आसान क्या हो जाता है आपके लिए कि आपके जो नॉन एंड पार्टनर हैं वो आपकी ज़िंदगी में आपको मदद कर रहे हैं। पर एक ऐसी बैट्समैन हो जो कि उसको भी ऐसा बॉल खेलना नहीं आता पर एक अच्छी बैट्समैन हो और उसको आपके लिए चुन लिया जाए तो कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा बहुत अधूरे रह जाओगे, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आप ही को ही झेलना पड़ेगा। आप झेल लोगे उसमें कोई बड़ी दोहराई नहीं है, पर फिर भी अगर एक ऐसी इंसान जो आपके प्रॉब्लम को समझ जाए ना तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो सेम ही चीज़ होती है अपनी लाइफ के साथ भी। तो आपके पेरेंट्स कभी आपके लिए लाइफ पार्टनर चुन रहे तो हमेशा एक अच्छी लाइफ पार्टनर ही चुनते, पर अगर आप अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनते हो तो हमेशा एक बेस्ट लाइफ पार्टनर चुनते हो। सो यू शुड बी नो चूजिंग अ पर्सन हु रियली मेड फॉर यू, नहीं कि अच्छा पर्सन है उसी को अपने लाइफ में उठा के डाल दो, ऐसा नहीं होता है। बस इतनी ही बात समझानी है अपने पेरेंट्स को कि ये जो लड़का है या फिर ये जो लड़की है वो मेरे लिए सही है, मेरे लिए एक बेस्ट नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन है, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर मेरी जो दिक्कत आएगी मेरी ज़िंदगी में ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, मुझे केयर करेगा या फिर मेरी प्रॉब्लम्स को टैकल करने में मेरी मदद करेगा, एंड दैट्स द ओनली थिंग। अगर आप मेरे चुनते हो तो फॉर श्योर कोई डाउट नहीं है उसमें कि आप एक अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की चुन दोगे मेरे लिए, पर वो अच्छा लड़का मेरे लिए सही होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसको कैसे हम जानेंगे? किसी इंसान को जानना इतनी जल्दी पॉसिबल ही नहीं है। सो बस इतना ही चीज़ है कि उनको यकीन दिला दो कि जो इंसान मैं खुद के लिए चुन रहा हूँ वो मेरे लिए बेस्ट है। तो अगर आप ये उन्हें समझाने में या फिर बताने में कामयाब हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स जो हैं आपके बारे में ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि हर पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों का खुशियां जो होती है अपने बच्चों की खुशियां जो होती है वो बहुत मायने रखती हैं,
वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको कभी भी दुख महसूस हो, कभी बुरा फील हो, वो हमेशा आपके फोर में जाने की कोशिश करते हैं। पर उनको खाली इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो भी डिसीजन ले रहा है वे ले रही है वो सही हो। देन दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू। आपको खाली उनको ये यकीन दिलाना है कि मेरी ये जो चॉइस है वो मेच्योर वाली चॉइस है, बचपना नहीं है, एंड व्हाट आई एम चूजिंग फॉर माई सेल्फ इज रियली गोइंग टू बी बेस्ट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बुरी लगी हो तो डिसलाइक भी करना। एंड डिसलाइक अगर करना तो नीचे कमेंट में बताना कि क्या चीज़ बुरी लगी आपको, ताकि मैं उस चीज़ को सुधार के आगे अच्छा वीडियो बना सकूँ आपके लिए। राइट, सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।